पटाखों पर पाबंदी के आदेश में दखल से अदालत का इनकार। जनसत्ता ब्यूरो, नई दिल्ली, 13 अक्टूबर। राजधानी में पटाखों और आतिशबाजी पर लगी पाबंदी में दिवाली के मौके पर कोई छूट देने की मांग वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई की गुहार सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को फिर टुकरा दी। प्रधान न्यायाधीश उदय उमेश ललित ने कहा कि जब दिल्ली हाई कोर्ट सुनवाई कर रहा है तो वे इसमें अभी कोई दखल नहीं देंगे। दिल्ली हाई कोर्ट में दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की सिफारिश के आधार पर जारी पाबंदी के आदेश को चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट में दो व्यापारियों ने अर्जी लगाकर गुहार लगाई है कि पाबंदी आदेश में हरित आतिशबाजी और पटाखों यानी ग्रीन क्रैकर्स को छूट नहीं दी गई है। दिल्ली में ग्रीन क्रैकर्स का भंडारण और विक्रय करने वाले इन दोनों याचिकाकर्ताओं ने दलील दी है कि ग्रीन क्रैकर्स को इस पाबंदी के दायरे में लाने का कोई मतलब नहीं है। इन पर पाबंदी के पीछे कोई तर्क भी नहीं दिया गया है। याचिकाकर्ताओं ने प्रधान न्यायाधीश की पीठ के समक्ष अपनी याचिका का उल्लेख करते हुए प्रधान न्यायाधीश उदय उमेश ललित ने कहा कि जब दिल्ली हाई एनएलम काट सुनवाई कर रहा है तो वे इसमें अभी कोई दखल नहीं देंगे। दिल्ली हाई कोर्ट में दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की सिफारिश के आधार पर जारी पाबंदी के आदेश को चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट में दो व्यापारियों ने अर्जी लगाकर गुहार लगाई है कि पाबंदी आदेश में हरित आतिशबाजी और पटाखों यानी ग्रीन क्रैकर्स को छूट नहीं दी गई है। कहा कि हाई कोर्ट ने यह कहते हुए सुनवाई नहीं कि इसी आशय की याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, ऐसे में हाई कोर्ट कैसे सुन सकता है। वैसे भी दिल्ली हाई कोर्ट ने 18 अक्टूबर को सुनवाई तय की है। दिवाली 24 अक्टूबर को है और उस नाते सुनवाई की तारीख देर से है। प्रधान न्यायाधीश ने जब इसे हाई कोर्ट के सामने ही ले जाने को कहा तो याचिकाकर्ता ने आखिरी दांव खेला कि भाजपा सांसद मनोज तिवारी की समान प्रार्थना वाली अर्जी न्यायमूर्ति एम आर शाह की पीठ के सामने लंबित है, लिहाजा उनकी याचिका को भी उसके साथ जोड़ दें। याचिकाकर्ता ने यह दलील भी दी कि 2020 में कोविड के मद्देनजर आमद की गई पाबंदियां अब नहीं है। न्यायमूर्ति शाह की पीठ ने मनोज तिवारी की याचिका पर भी पाबंदी के आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया था। अदालत ने कहा था कि प्रदूषण के हालात सब जानते ही हैं। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा 14 सितंबर को दिल्ली में 1 जनवरी 2023 तक सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री और पफोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। इसी प्रतिबंध को चुनौती देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। याचिका में तर्क दिया गया है कि दिसंबर 2020 में लागू सभी कोविड-19 संबंधित प्रतिबंधों में अब ढील दी गई है, लिहाजा ऐसा कोई कारण नहीं है कि पटाखों की बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध बना रहे, खासकर ऐसे समय में जब दिल्ली में AQI का बेहतर स्तर पर है। स्तर मध्यम